नमस्कार डॉक्टर अपूर्व आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के इलाज के बारे में। सूखी खांसी होने के एलर्जी से लेकर वायरस तक कई कारण हो सकते हैं। इस तरह की खांसी आमतौर पर बलगम वाली खांसी की तुलना में ज्यादा दिनों तक रहती है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि इसे घरेलू उपचार में ठीक किया जा सकता है। आप सबने कभी ना कभी बिना बलगम वाली खांसी का अनुभव जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या होती है, कैसे होती है सूखी खांसी? एलर्जी से लेकर एसिड रिफ्लक्स तक कई चीजें सूखी खांसी का कारण बन सकते हैं। वहीं कुछ मामलों में सूखी खांसी होने की विशेष वजह नहीं होती है। कारण चाहे जो भी हो, लगातार सूखी खांसी आपके दिन प्रतिदिन के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, खासकर अगर ये रात में शुरू हो जाए तो। इसे जड़ से खत्म करने के लिए ये उपाय कारगर हैं। अदरक में एंट्री माइक्रोबियल बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला गुण मौजूद है। यह सूखी खांसी से राहत दिलाने में सहायता कर सकता है। अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े, उस पर एक चुटकी नमक छिड़क के या शहद लगा के इसे दांतों के बीच दबा लें। इस तरह अदरक का रस धीरे धीरे मुंह में अंदर जाने दें। करीब 5-7 मिनट रखने के बाद कुल्ला कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।